नमस्कार, एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर का सिलसिला और सीधे लिए चलते हैं आपको भोपाल। आजकल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपी विष्णु को सुनाई गई फांसी की सजा। न्यायमूर्ति कुमुदनी पटेल की कोर्ट में आरोपी विष्णु को सुनाई गई दोहरी मृत्युदंड की सजा। राजधानी भोपाल के कमला नगर थाना क्षेत्र में मांडवा बस्ती में एक 8 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप और हत्या के मामले में आरोपी विष्णु को आज फांसी की सजा सुनाई गई है। गौरतलब है, आरोपी विष्णु ने 8 साल की मासूम बच्ची के साथ जब वह किराना की दुकान पर सामान लेने गई थी तो आरोपी विष्णु ने उसको अपने घर पर ले जाकर बलात्कार और हत्या कर दी थी, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी मच गई थी। उसके बाद भी पुलिस महकमे को भी इसका हर्जाना चुकाना पड़ा। आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस महकमे के कुछ पुलिस कर्मियों को इसके लिए सस्पेंड होकर अपना हर्जाना चुकाना पड़ा। आज 32 दिन की कार्रवाई के बाद न्यायमूर्ति कुमुदनी पटेल की कोर्ट पर आरोपी विष्णु को सजा सुनाई गई है, जहां पर उसको दोहरी फांसी की सजा दी गई है, जिस पर 302 के तहत हत्या के मामले पर आरोपी विष्णु को एक पहली फांसी की सजा दी गई है। गौरतलब है, यह फैसला 24 घंटे के अंदर हाई कोर्ट पर जाएगा। हाई कोर्ट इस बात पर यह निर्णय लेगा कि आरोपी विष्णु को कब फांसी की सजा दी जाएगी। 32 दिन बाद मासूम बच्ची के परिजनों को मिला न्याय। आरोपी विष्णु फांसी के तख्ते पर। भोपाल रिपोर्टर दुर्गेश गुप्ता। मध्यप्रदेश विधानसभा में आज विपक्ष ने ऊर्जा मंत्री को घेरने की काफी कोशिश की। विधानसभा में आज प्रदेश में हो रही बिजली कटौती के मुद्दे को लेकर जमकर बवाल हुआ। ऊर्जा मंत्री पीवीएस सिंह ने जब सदन में ये कहा कि बीजेपी सरकार में खरीदे गए खराब उपकरणों की वजह से बिजली सप्लाई बाधित होती है तो विपक्ष ने हंगामा मचा दिया। पीवीएस सिंह ने स्वीकारा कि उत्तर भोपाल में चमगादड़ों की वजह से बिजली जाने की शिकायतें मिली हैं। इस बीच बीजेपी ने वित्त मंत्री तरुण भनोत की चमगादड़ टिप्पणी पर जमकर हंगामा किया। विपक्ष के विधायकों को चमगादड़ कहने पर बीजेपी के नेता भड़क उठे। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह और वित्त मंत्री तरुण भनोत के बीच तीखी बहस भी हुई। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने तरुण भनोत पर बीजेपी विधायकों को चमगादड़ बोलने का आरोप लगाया। हालांकि बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने आपत्तिजनक टिप्पणी को विलोपित किया। ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने आज सदन में बिजली को लेकर कई सवालों के जवाब दिए। बिजली एक ऐसा मसला है जिसे लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमेशा निशाने बोलता रहेगा। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर निर्मल सिंह बैस। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र जारी है, लेकिन आज जो चर्चा का विषय बने वो थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। चर्चाएं इसलिए भी थी क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बनने की चर्चाएं तेज हैं और ऐसे में उनके भोपाल आने के राजनीतिक कारण भी तराशे जा रहे हैं। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह भी है कि स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट के बंगले पर भोज के बहाने पूरी कांग्रेस एकजुटता का संदेश भी देने जा रही है। इस रात्रि भोज में मुख्यमंत्री कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह, विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति सहित तमाम नेता, विधायक और मंत्री मौजूद रहेंगे। इस डिनर को कर्नाटक और गोवा में टूट रही कांग्रेस से जुड़कर भी देखा जा रहा है। पत्रकारों के कुछ सवाल ऐसे थे जिसको लेकर कभी वो खामोश रहे तो कभी बेबाकी से जवाब दिया। अब देखना यह होगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति में ज्योतिरादित्य क्या कुछ नया करते हैं। एक्सप्रेस रिपोर्टर शरद बाघेला। मंत्रियों के बंगलों पर करोड़ रुपए खर्च करने पर आज विधानसभा में विपक्ष ने हमला बोला। विधानसभा की कार्यवाही आज चौथे दिन शुरू हुई। पूर्व मंत्री नरोत 38 करोड़ रुपए खर्च करने पर सरकार पर हमला बोला। मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार के मंत्रियों ने नल की टोंटियां और कपड़ा टांगने की खूंटियां तक उखाड़ कर ले गए और बंगलों को गंदा करके चले गए। इसके बाद उन्हें रहने योग्य बनाने के लिए मजबूरन सरकार को खर्च करने पड़े। वहीं मंत्री गोविंद सिंह ने भी विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि अब पूर्व मंत्रियों को बंगलों का आवास का जो मोह है वो त्याग करके छोटे मकानों में रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। मतलब साफ है, भाजपा ने सरकार पर हमला बोला आवासों पर पैसे खर्च करने को लेकर, तो सरकार भी अब हमलावर होती नजर आ रही है विपक्ष पर। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंत्रियों के बंगलों पर करोड़ रुपए खर्च करने पर सरकार पर सवालिया निशान खड़ा किया। इसी को लेकर मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने
भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि पूर्व मंत्री बंगलों से खूंटियां और टोंटियां भी उखाड़ ले गए। मतलब साफ है, बंगलों पर पैसे खर्च करने पर अब राजनीति तेज हो गई है। एक्सप्रेस रिपोर्टर प्रमोद शर्मा। प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए आज बीजेपी के युवा मोर्चा ने राजवाड़ा पर प्रदर्शन किया। प्रदेश सरकार द्वारा बुधवार को किए बजट पेश को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए राजवाड़ा पर जमकर प्रदर्शन किया। युवा मोर्चा द्वारा प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए यह प्रदर्शन किया गया। दरअसल प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा बुधवार को पहला बजट पेश किया गया था, जिसको लेकर बीजेपी लगातार सरकार पर हमला बोल रही है। इंदौर में बीजेपी के युवा मोर्चा ने कांग्रेस सरकार के इस बजट को जनता के साथ छल बताया। युवा मोर्चा का कहना है कि विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र कर जनता से वादा किया था, वह एक भी पूरा नहीं हुआ है। अभी तक न किसानों का कर्जा माफ हुआ है, न ही युवाओं को रोजगार देने की बात पूरी हुई है। बीजेपी के युवा मोर्चा ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा पहला बजट भी पेश कर दिया गया, लेकिन जो उन्होंने विधानसभा चुनाव में वादे किए थे वो अभी तक नहीं निभाए हैं। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। ग्वालियर शहर के कई बीजेपी के पार्षद कांग्रेस के विधायक और मंत्रियों के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए हैं। ग्वालियर नगर निगम परिषद का कार्यकाल 9 जनवरी 2020 तक है, लेकिन इससे पहले निगम की सियासत में भूचाल आ गया है। सत्ता पक्ष की भूमिका निभा रही बीजेपी के पार्षद अब कांग्रेस के विधायक और मंत्रियों के खिलाफ मुखर हो गए हैं। साथ ही निगम कमीशन के खिलाफ भी खुलकर मैदान में आ गए हैं। बीजेपी के 26 पार्षदों ने निगम परिषद के सभापति को हस्ताक्षर करके विशेष सम्मेलन बुलाने की मांग की है। नगर निगम अधिकारियों द्वारा कांग्रेस सरकार के मंत्री विधायकों से भूमि पूजन उद्घाटन कराने के सिलसिले के न टूटने पर भाजपा पार्षदों में जबरदस्त आक्रोश है और वे दखल देने वाले मंत्री विधायक सहित दबाव में काम करने वाले निगमायुक्त के खिलाफ खुले विरोध का बिगुल फूंक चुके हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के ग्वालियर आने तक तो इंतजार कर रहे हैं। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष कृष्णा दीक्षित का कहना है कि जिन पार्षदों के इलाके में कोई भी उद्घाटन कार्य होता है वहां के पार्षद को आमंत्रण दिया जाता है, लेकिन वो ईगो के कारण उस कार्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के एक्शन मोड में आने के बाद प्रशासनिक अमला भी एक्शन मोड में आ गया है, जिसके चलते संभागीय कमिश्नर ने ग्वालियर रेंज के कलेक्टरों की बैठक ली है। बैठक में कमिश्नर ने खुद माना है कि ग्वालियर संभाग में सहकारी बैंकों में करोड़ों रुपए के घोटाले हुए हैं। साथ ही जिले वाइज देखें तो हर जिले में 50 करोड़ से लेकर 100 करोड़ रुपए तक का फर्जी लोन घोटाला सामने आया है, जिसमें कमिश्नर ने कहा है कि उस समय के बैंक के अधिकारी और सोसाइटियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में गुना, अशोकनगर, शिवपुरी और ग्वालियर जिले में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति और राजस्व मामलों की समीक्षा की गई है। साथ ही मानसून को देखते हुए बाढ़ बचाव के पूरे इंतजाम रखने, बोवनी मौसम में किसानों की समस्याओं को दूर करने और विकास कार्यों में तेजी से पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया जाए। बैठक में सबसे ज्यादा फोकस किसान और कर्ज माफी के साथ साथ पूर्व की सरकार के समय सहकारी बैंक घोटालों पर रही। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर धर्मेंद्र शर्मा। केंद्र सरकार द्वारा रेलवे को निजी हाथों में सौंपने के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन जारी है। इंदौर में भी कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर अपना विरोध जाहिर किया। भारत सरकार द्वारा भारतीय रेल के 7 प्रोडक्शन यूनिट और कुछ यात्री गाड़ियों के निगमीकरण और निजीकरण के जारी आदेश के विरोध में लगातार रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन विरोध जाहिर कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को इंदौर में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे ने आरोप लगाया है कि रेलवे के निजीकरण से रेलवे कर्मचारियों को खासा नुकसान है। साथ ही न्यू पेंशन स्कीम को लेकर भी कर्मचारियों ने विरोध दर्ज करवाया। उनका कहना है कि पुरानी पेंशन स्कीम के लाभ न्यू पेंशन स्कीम में नहीं है। रेल कर्मचारियों के विरोध के बावजूद रेलवे ने तेजस एक्सप्रेस को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर ली है। यदि ऐसा हुआ तो तेजस एक्सप्रेस देश की पहली ऐसी ट्रेन होगी जो निजी क्षेत्र में संचालित होगी। तेजस एक्सप्रेस रिपोर्ट दीपिका अग्रवाल। नरवा गरवा गुरुआ बारी को बचाने के लिए प्रदेश सरकार के साथ पब्लिक भी सजग नजर आ रही है। नरवा को बचाने के लिए आज सैकड़ों ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। दरअसल मामला धरसीवा विकास खंड के ग्राम नकटी का है, जहां गांव का एकमात्र नरवा जिसे ग्रामीण उपयोग करते हैं, जिस पर गांव के कुछ लोग कब्जा कर उसको पाटने के लिए आतुर है, जिसे रोकने के लिए
ग्रामीण सड़कों पर उतर आए हैं, जिसके विरोध में धरसिया विधायक अनीता शर्मा के साथ सैकड़ों लोग जमकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, तो वहीं कलेक्ट्रेट और एसपी से नरवा को बचाने के लिए गुहार लगाई। अब देखना होगा कि इन नागरिकों की पहल को सरकार कितने अहमियत देती है और क्या सरकार इस नरवा को बचाने में कामयाब होती है। सत्या राजपूत, एक्सप्रेस रिपोर्टर, रायपुर। आज यदि कसरौत ब्लॉक में शिक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर पिछले एक साल में सरकारी स्कूलों में 3000 के लगभग बच्चों की दर से संख्या कम हुई है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा गुणवत्ता सुधारने और बच्चों को आकर्षित करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। इसके बाद भी पालकों का सरकारी स्कूल से मनोभंग हो रहा है। लगातार सरकारी स्कूलों में बच्चों की घटती संख्या तो यही दर्शाती है कि कसरौत विकास खंड के प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में एक साल में लगभग 3000 बच्चे कम हो गए। यहाँ तक कि ऐसी भी स्कूलें देखने को मिली जहाँ दो बच्चों पर दो दो शिक्षक नियुक्त है। ऐसी स्थिति में यहाँ एक बच्चे पर एक शिक्षक है। इस हिसाब से प्रत्येक माह एक बच्चे पर करीब 35,000 रुपए खर्च हो रहे हैं। जबकि आज सरकारी स्कूलों में निःशुल्क गणवेश, साइकिल, पाठ्य पुस्तकें, मध्याह्न भोजन आदि की सुविधाएं मिलने के बाद भी पालक सरकारी के बजाय निजी स्कूलों में बच्चों को दाखिला दिलाने में रुचि दिखा रहे हैं। एक बड़ा सवाल यह भी है कि जब शासनी आरटी के तहत निजी स्कूलों में बच्चों को जोड़ रही है, ऐसी स्थिति में सरकारी स्कूलों की संख्या कहाँ से बढ़ेगी? वहीं शासन प्रशासन के लोग अब ऐसी स्कूलों को मर्ज करने की बात कर रहे हैं। राजू पटेल, एक्सप्रेस रिपोर्टर, कसरावत। विधि कॉलेज जो कि भिंड में संचालित हो रहा है, मजे की बात यह है कि केवल दो कमरे में पूरा विधि कॉलेज चल रहा है। वहीं स्टाफ की बात की जाए तो यहाँ एक स्टाफ हमेशा परमानेंट रहा है, बाकी अंशकालीन या अतिथि के रूप में रखते हैं। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में शासकीय MGSPG कॉलेज में सन 1967 से विधि विभाग संचालित किया जा रहा है। दो कमरों में चलने वाला विधि विभाग इन दिनों जर्जर हालात में। पुरानी बिल्डिंग में ही विधि विभाग को एडजस्ट कर दिया गया था, जिसके बाद उसका मेंटेनेंस कार्य नहीं किया गया, जिसके कारण बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता है एवं क्लासरूम में प्लास्टर उखड़ उखड़ कर छात्रों के ऊपर गिर रहा है। छात्र संख्या 150 होने के बावजूद भी दो कमरे ही दिए गए हैं, जिसमें विधि विभाग के क्लासरूमों को संचालित करना नामुमकिन है। विभाग के लिए कई बार राशि मंजूर हुई, लेकिन उस राशि का उपयोग नहीं किया गया और पुरानी बिल्डिंग में ही विधि विभाग को संचालित किया जा रहा है। यदि कॉलेज प्रबंधन ने जल्दी कदम नहीं उठाया तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। शासकीय MGS विधि कॉलेज में दो कमरे और एक टीचर, जिसके ऊपर 150 छात्रों का भार है। बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, इसलिए कोई बड़ा हादसा हो सकता है। नई सरकार से युवा को उम्मीद है कि ये बिल्डिंग जरूर बनकर तैयार होगी। भिंड से राघवेंद्र सिंह, एक्सप्रेस रिपोर्टर। एक्सप्रेस रिपोर्ट पर फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा रेस्क्यू बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंसिया, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बना ये हर पल खास सुमित ज्वेलर्स के साथ, जहां मिलती है नई सौगात हर परचेज के साथ। सुमित ज्वेलर्स, हम गढ़ते हैं विश्वास। सिंधिया की सीएम और मंत्रियों को नसीहत देने की क्या है अंदरूनी वजह? मध्य प्रदेश में मंत्रियों और अधिकारियों के बीच क्या गुटबाजी की वजह से नहीं बन पा रहा समन्वय? मंत्रियों और विधायकों की सिंधिया के साथ बिना डिप्लोमेसी के क्या है मायने? जनता मांगे जवाब में आ सिंधिया की थी। आशीर्वाद के रूप में इससे सुंदर और प्यारा कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो ये कहूंगी कि आपकी हर पीढ़ी विश्वास कर सकती है इन पर। अनुपचंद तिलकचंद ज्वेलर्स, AP, अ सिंबल ऑफ ट्रस्ट। ब्रिकवाद एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। सीधे आपको लिए चलते हैं कोरबा।
देश की सुरक्षा में तैनात हर जवान चाहता है कि उसका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ हो, लेकिन छुरी खुर्द निवासी हरीश सहाय का यह सपना अधूरा रह गया। पूरी ईमानदारी से हरीश सहाय ने अपनी ड्यूटी निभाई, लेकिन पिछले दिनों सड़क हादसे में उसकी जान चली गई। सहकर्मियों ने पूरे सम्मान के साथ उनके शव को गृहग्राम में तो छोड़ा, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं था कि वे अंतिम संस्कार तक रुकते। विभागीय कर्मियों के इस रवैये से परिजन काफी आहत हुए हैं। उनका कहना है कि एक जवान के पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। जवान हरीश सहाय के परिजनों का आरोप है कि शासन प्रशासन ने उसके मौत का मजाक उड़ाया है और यह हादसा किसी और के साथ ना हो, इसे लेकर उन्होंने गुहार लगाई है। कोरबा से रिपोर्टर मनोज यादव। जिले में आपदा की स्थिति बनने पर नगर सेना के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है, लेकिन जिन संसाधनों के भरोसे रेस्क्यू किया जाता है वो संसाधन ही कंडम हो चुके हैं। ऐसे में नगर सैनिकों के लिए खुद की जान की रक्षा करना भी मुश्किल होता है। मानसून के प्रारंभ होते ही चारों तरफ से नदियों से घिरे कांकेर जिले में बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है। बीते साल भी जिले में भीषण बाढ़ आई थी और उस वक्त लोगों की जान बचाने का बीड़ा किसी ने उठाया तो नगर सेना के जवान थे, जिन्होंने कम संसाधन के बाद भी अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाई थी। मानसून शुरू हो गया है, ऐसे में एक बार फिर बाढ़ आपदा के लिए नगर सेना के जवान पूरी तरह तैयार हैं और 25 जवानों की एक टीम बनाई गई है, लेकिन अपनी जान जोखिम में डालकर बाढ़ के हालात में लोगों की जान बचाने वाले इन जवानों के लिए संसाधन की कमी है। बाढ़ आपदा से निपटने के लिए सबसे जरूरी उपकरण लाइफ जैकेट की जरूरत होती है, लेकिन इनकी संख्या जवानों के पास काफ़ी कम है और जो है वो भी काफ़ी पुराने हो चुके हैं। ऐसे में जवानों को नए उपकरण लाइफ जैकेट की जरूरत है और इनकी मांग भी जिला प्रशासन से की जा चुकी है, लेकिन जरूरी सामान अब तक इन जवानों को उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं। 7 ब्लॉक हैं और अधिकांश क्षेत्र में बारिश के दौरान बाढ़ के हालात देखे जाते हैं। ऐसे में मात्र नगर सेना के 25 जवानों के कंधे पर ही बाढ़ आपदा की जिम्मेदारी होना काफ़ी मेहनत का काम नजर आता है और जरूरी सामानों की कमी इन जवानों की दिक्कतें और बढ़ा देगी। कांकेर से सुशील सलाम, एक्सप्रेस रिपोर्ट। हरियाली प्रसार योजना को बढ़ावा देने के लिए पत्थलगांव का वन विभाग यहाँ के ग्रामीणों को फलदार पौधा और हरी सब्जी का बीज वितरण कर रहा है। वन विभाग पत्थलगांव के द्वारा आज रेंज के आसपास के ग्रामीणों को हरियाली प्रसार योजना को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों को फलदार पौधे एवं सब्जी बीज का वितरण भी किया गया। यह योजना गांव-गांव तक पहुंचे इसलिए हरियाली प्रसार वाहन तैयार कर पौधों को गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है। इस वाहन को आज कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पवन अग्रवाल एवं ब्लॉक अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हालांकि यहां का वन विभाग 25,000 पौधा लगाने का लक्ष्य रखा है। अब देखना होगा पौधा लगाए जाने के बाद वन विभाग इसे किस तरह से सुरक्षित रखकर पेड़ तैयार कर पाता है। पत्थलगांव से एक्सप्रेस रिपोर्टर मनोज अंबस्त। प्रभु श्री राम के धाम चित्रकूट को मिनी स्मार्ट सिटी बनाने की कल्पना शुरुआती दौर में ही धराशायी होती दिख रही है। सीवर लाइन प्रोजेक्ट की ठेका कंपनी चंद्र निर्माण प्राइवेट लिमिटेड ने चित्रकूट धाम को बदसूरत बना डाला। चित्रकूट में मिनी स्मार्ट सिटी के तहत सीवर लाइन का काम कर रही CNPL के ठेकेदार के पेटी कॉन्ट्रेक्टरों ने भारी बरसात में सड़कों पर बुलडोजर चला दी, जहां चित्रकूट के रजौला बस्ती के अंदर जानलेवा गड्ढे मौत को दावत दे रहे हैं, तो वहीं बस्ती के अंदर सड़कों पर जलभराव और कीचड़ की वजह से बच्चों, महिलाओं और स्थानीय लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। आपको बता दें कि उक्त कंपनी का ठेकेदार बीते 5 वर्षों से सीवर लाइन का काम पूरा नहीं कर पाया और जैसे ही बरसात शुरू हुई तो सारी सड़कें ध्वस्त कर ठेकेदार नदारद हो गया। सड़क की दुर्दशा से रजौला के पार्षद और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। तहसीलदार को ज्ञापन देकर मांग की गई है कि यदि 24 घंटे के अंदर बस्ती की सड़क चलने लायक नहीं बनी तो वे कीचड़ में धरने पर बैठ जाएंगे। चित्रकूट से एक्सप्रेस रिपोर्टर रामदेव श्रीवास्तव। सतना पुलिस ने नशीली दवाओं की एक बड़ी खेप पकड़ी है जिसकी कीमत 7 लाख बताई जा रही है। सतना जिले में मादक पदार्थों का कई दिनों से तस्करी के मामले सामने आ रहे थे, जिस पर छोटे छोटे व्यापारी ही पकड़े गए थे और बाद में ये
छूट भी जाते थे, लेकिन सतना पुलिस को अब एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें टिकुरिया टोला में संजय कामकार के गोडाउन पर छापा मारा गया और इस छापेमारी में 60 लाख से ज्यादा कीमत की कफ सिरप पकड़ी गई, जो कि युवाओं के नशे के काम में आती है। वहीं पुलिस का कहना है कि इस मामले में अभी और भी तफ्तीश की जा रही है। छापेमारी के समय पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल, एडिशनल एसपी गौतम सोलंकी, सीएसपी विजय सिंह परिहार के अलावा पुलिस बल मौजूद था। इस छापेमारी के बाद यहां के नशीले कारोबारियों में हलचल मची हुई है। निश्चित रूप से सतना पुलिस के लिए यह बड़ी सफलता है, लेकिन कई ऐसे चेहरे सामने आने बाकी हैं जिस पूरे कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। सतना द एक्सप्रेस रिपोर्टर वरुण शर्मा। सिमरिया में स्वच्छता अभियान की उड़ रही धज्जियां, जगह जगह पर लगा कचरों का अंबार। सिमरिया में स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ रही हैं, जहां एक ओर कागजों में सिमरिया स्वच्छता में नंबर वन है, वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो हर जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है, चाहे वह बस स्टैंड हो या मोहल्लों की बात की जाए तो हर जगह पर गंदगी का आलम है, लेकिन सिमरिया कागजों में नंबर वन पर चल रही है। होगा शासन इस पर क्या पहल करता है, क्योंकि बरसात का मौसम है, बरसात में बीमारियों का भी खतरा बढ़ता है। प्रशासन इस ओर अब क्या ध्यान देता है? सिमरिया से एक्सप्रेस रिपोर्टर पीयूष गुप्ता। धार्मिक एवं प्राचीन धरोहर बेड संस्थान के अस्तित्व पर मंडरा रहा है खतरा, शासन प्रशासन नहीं दे रहा है ध्यान। ऋषि दद्दीची की तपोभूमि बेट संस्थान का अस्तित्व खतरे में दिखाई दे रहा है। शासन प्रशासन की अपेक्षा के शिकार टापू अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा। संरक्षण नहीं होने से लगातार टापू का कटाव बढ़ता जा रहा। नर्मदा की दो धाराओं के बीच स्थित टापू को बचाने का प्रयास व नगर को पर्यटक और पवित्र नगरी घोषित करने की मांग श्री बिल्वामृतेश्वर महादेव भक्त मंडल, नगर वासियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा वर्षों से की जा रही है, लेकिन आज तक न तो इस नगर को पर्यटक एवं पवित्र नगरी का दर्जा मिला और न ही टापू को कटाव से बचाने के लिए कोई ठोस उपाय किए गए। टापू पर श्री बिल्वामृतेश्वर महादेव विराजमान है, जो मानव स्थापित न होकर स्वयं हुए, जिनका महत्व अधिक होने से दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। कई किलोमीटर में फैला यह भव्य टापू आज लुप्त होने की कगार पर खड़ा है। बारिश की बाढ़ में कटते हुए कुछ ही दूरी में सिमट कर रह गया है, किंतु इस पवित्र धरोहर को सहजने के लिए शासन प्रशासन थोड़ा सा भी गंभीर नहीं है। धर्मपुरी से एक्सप्रेस रिपोर्टर त्रिलोक राठौर। सरकारी स्कूलों की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन? शिक्षा के लिए ज्ञान जोखिम में डालते मजबूर बच्चे। बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का सपना हर माँ बाप का होता है और हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूलों में भेजना चाहते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में महंगी फीसों के चलते गरीब माँ बाप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज देते हैं, जहाँ पर सरकारी स्कूलों की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। भगत सिंह वार्ड के नवीन प्राइमरी गणेश वार्ड स्कूल की 2012 में बनी बिल्डिंग जो गिरने की कगार पर है, वहाँ पर जान जोखिम में डालकर बच्चे अपनी पढ़ाई करते हैं। 2012 में बिल्डिंग का निर्माण नगर पालिका द्वारा कराया गया था। स्कूल के अध्यापक विमल जैन का कहना है कि 2016 से नगर पालिका से लेकर शिक्षा विभाग तक एक दर्जन से ज्यादा शिकायतें की जा चुकी हैं, उसके बावजूद भी मरम्मत का काम स्कूल की बिल्डिंग का नहीं कराया गया। जब शहरी स्कूलों की बिल्डिंग की यह हाल है तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसी दर्जन स्कूल है जहां की बिल्डिंग जर्जर हालत में है। हालांकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी जर्जर हालत में दर्जन स्कूल है, आखिर ऐसी लापरवाह शिक्षा विभाग के अधिकारी नगर पालिका के ठेकेदारों पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती, जिसकी वजह से बच्चे जीवन दायनी अरपा में पानी आ गया है। बिलासपुर की अरपा नदी में बरसात में पानी नजर आ रहा है, लेकिन ये पानी अभी जितना चाहिए उतना नदी में आया नहीं है। हालांकि बरसात अभी शुरू हुई है, लेकिन लोगों को उम्मीद है ये है कि अरपा में नदी में अगर पानी दिख रहा है तो ये बरसात आने के बाद ये बढ़ेगा भी, लेकिन इसके संरक्षण के लिए, जल संरक्षण के लिए दिशा में जो कदम उठाए जाने चाहिए वो जिला प्रशासन द्वारा अभी तक नहीं उठाए गए हैं। इसलिए लोगों को उम्मीद यह भी लग रही है कि जन सहयोग किया जाना चाहिए ताकि अरपा को बचाया जा सके और उसके जल का संरक्षण किया जा सके। बरसात शुरू हुई है और अरपा नदी में बरसात का पानी आ गया है, लेकिन इसको रोकने का भी कोई प्रयास नहीं दिख रहा है, जिसके चलते अभी परेशानी और बढ़ने वाली है। बिलासपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर शैलेंद्र। बड़वानी जिले में इंदिरा सागर परियोजना की नहरें बनी मुसीबत। किसानों के खेतों में घुसा पानी, लाखों रुपए की फसलों का हुआ नुकसान। जिम्मेदार अधिकारियों का नहीं है इस ओर ध्यान, आज भी किसान परेशान।
बड़वानी जिले के अंजड़ क्षेत्र में इंदिरा सागर परियोजना की नहर किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। नहर का पानी किसानों के खेतों में घुस रहा है, इससे किसानों की लाखों रुपए की फसल का नुकसान हो रहा है। प्रभावित किसानों ने नहर का निर्माण कर रही KDS कंपनी पर आरोप लगाया कि कंपनी द्वारा नहर का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया। अधूरी पड़ी नहरों से बारिश तथा नहर का वेस्ट पानी किसानों के खेतों में घुस रहा है। इस पानी से गर्मी में लगाई कपास की फसल पर संकट गहराने लगा है। प्रशासन ने समय रहते ध्यान नहीं दिया तो इससे कई किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा। जलमग्न हुई लगभग 50-60 एकड़ में लगी कपास की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो जाएगी और किसानों के परिवार का भरण पोषण करना भी मुश्किल हो जाएगा। किसान हित के लिए प्रदेश सरकार द्वारा इंदिरा सागर नहर परियोजना के अंतर्गत नहरों का निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर करोड़ों रुपया खर्च भी किया जा चुका है, लेकिन कई वर्षों बीत जाने के बाद भी नहरों का कार्य अधूरा पड़ा है। बड़वानी से एक्सप्रेस रिपोर्टर सचिन राठौड़। संकट से जूझ रहे पन्ना वासियों को मानसून से थी आस, लेकिन अभी तक नहीं बरसे संतोषजनक बादल। पन्ना के तालाबों की अभी तक नहीं बुझी प्यास। पूरे प्रदेश में जब से मानसून ने दस्तक दी है, उससे कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, लेकिन वहीं पन्ना में अभी तक मानसून के बादल संतोषजनक नहीं बरसे हैं, जिससे पन्ना शहर के तालाब जो पानी के मुख्य स्रोत हैं वह नहीं भर पाए हैं। आलम इस कदर है कि जो तालाब पूरे शहर की प्यास बुझाते थे, आज वो खुद प्यासे नजर आ रहे हैं। शहर में धर्म सागर, निरपत सागर, लोकपाल सागर, यह मुख्य तीन तालाब हैं जो पूरे शहर की पानी की सप्लाई के मुख्य स्रोत हैं, लेकिन अभी तक की बरसात में तालाबों की स्थिति बेहद गंभीर है। कारण यह है कि मानसून में बरसे बादल रुक रुक कर बरसे हैं और लगातार बारिश अभी तक नहीं हुई है, जिससे तालाब नहीं भर पाए हैं। और अगर हालात इसी प्रकार से बने रहे तो जिस प्रकार से पूरे शहर ने इस साल पानी का संकट झेला है, वह हालात बने रहेंगे। हालांकि पन्ना शहर के लिए प्राचीन तालाब ही पानी के एक मुख्य स्रोत हैं, लेकिन अभी तक जिस प्रकार से बारिश हुई है, उस प्रकार से पन्ना के तालाबों की स्थिति बेहद गंभीर है। अभी भी किसी भी तालाब में कोई संतोषजनक पानी नहीं है, और अगर इसी प्रकार से हालात बरसात के बने रहे तो पन्ना वासियों को विशेष संकट का सामना करना पड़ सकता है। पन्ना से एक्सप्रेस रिपोर्टर गणेश विश्वकर्मा। एक्सप्रेस रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।